हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेबर और उसका ये टॉपिक है ऑब्स्टेट्रिक्स। आप समझते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स से कहते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब है जनन। जब बच्चा हो, जब बच्चे से प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से लेके और बच्चे के जन्म तक की ड्यूरेशन को हम ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे बोलते हैं लेबर, यानी बच्चे का जन्म होना। लेबर की डेफिनेशन है एज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूट्राइन मसल्स विद प्रोग्रेसिव एफेसमेंट, यानी जब 28 वीक के बाद में, 28 वीक की जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद में पेशेंट को यूट्रस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब लगातार कॉन्ट्रैक्शन आना, यूट्रस का रिलैक्स होना, यूट्रस मसल का रिलैक्स होना, साथ में एफेसमेंट होना। एफेसमेंट का मतलब है बेबी पेल्विस की तरफ मूव करना। जब बेबी पेल्विस में मूव करेगा तो उसे बोलते हैं एफेसमेंट। तो बेबी का मूवमेंट पेल्विस की तरफ, दूसरा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यूट्राइन मसल्स में लगातार होते चले जाए, साथ में डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स डायलिटेड हो, लीडिंग टू एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। जो प्रेगनेंसी के दरमियान जो भी कंसेप्शन है इंट्रा यूट्राइन कैविटी, कैविटी के अंदर, यूट्रस की कैविटी के अंदर, या फीटस हो या प्लेसेंटा हो या मेम्ब्रेन, ये तीनों चीज 28 वीक के बाद में, प्रेगनेंसी के बाद में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यूट्राइन मसल्स में होते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव एफेसमेंट होता है, सर्विक्स डायलेटेड होती है, लीडिंग टू एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, और जो भी मटेरियल इंट्रा यूट्राइन है वो बाहर आ जाता है, उसे हम बोलते हैं लेबर। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लेबर। लेबर लेबर की बात कर रहे हैं तो लेबर में नॉर्मल लेबर की बात करेंगे हम पहले। नॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर क्या है? द प्रोसेस इज कंप्लीट विद इन द 18 आवर एंड नो कॉम्प्लिकेशन अराइज। यानी लेबर के दरमियान कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो और जो पूरा प्रोसेस है वो 18 आवर में कंप्लीटली कंप्लीट हो जाए, उसे बोलते हैं हम नॉर्मल लेबर। अगर 18 आवर्स ऊपर जाएगा तो वो एक अलग श्रेणी में चला जाएगा, वो नॉर्मल लेबर नहीं होगा। उसके बाद आता है स्टेज ऑफ लेबर। जो लेबर की जो स्टेजेस हैं वो 4 स्टेजेस हैं। पहली फर्स्ट स्टेज का दूसरा नाम है डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। फर्स्ट स्टेज में होता है डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स यूट्रस का लोअर पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स यूट्राइन कैविटी। ये है यूट्राइन कैविटी। जब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो फंडस मूव डाउन करती है, इसकी वजह से सर्विक्स पर दबाव पड़ता है और सर्विक्स डायलेटेड हो जाती है। तो पहली स्टेज में सर्वाइकल डायलिटेशन होता है, फुल डायलिटेशन। इसकी डेफिनेशन है इट बिगेंस विद रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड फुली सर्वाइकल डायलिटेशन एंड एफेजी। यानी बेबी पेल्विक कैविटी की तरफ मूव करना शुरू कर दे, साथ में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आए और सर्विक्स डायलेटेड हो जाए, फुली डायलेटेड। फुली डायलेटेड का मतलब होता है 0 to 10 centimeter, 0 to 10 centimeter, उसे बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज का दूसरा नाम है एक्सपल्शन ऑफ फीटस। यानी जब पहली स्टेज में सर्विक्स पूरी तरह से डायलेटेड हो गया तो सेकंड स्टेज में क्या होगा? जो बेबी है
ये फीटस है वो कॉन्ट्रेक्शंस की वजह से एक्सपेल्ड आउट करेगा, यानी बाहर आएगा। इट बिगिंस विद कंप्लीट डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स थ्रू द कंप्लीट बर्थ ऑफ बेबी। यानी कि हम जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है उसमें क्या होता है, पहले स्टेज में जब डायलेटेशन हो गया तो जो बेबी है वो इंट्रायूटेराइन कैविटी से बाहर आ जाता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, उसे बोलते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज का मतलब है जब डायलेटेशन हो गया पहली में, दूसरी में, दूसरी स्टेज में बेबी आउट हो गया, तीसरी में क्या होगा, सेपरेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन विद कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। द यूट्रस मसल लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहेंगी, उसकी वजह से जो प्लेसेंटल प्लेसेंटा है, जो एक पार्ट है कंसेप्शन मटेरियल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि बेबी के लिए फूड, न्यूट्रिशन, फूड वगैरह सब सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, वो जब बेबी बाहर आ गया तो उसका क्या होगा, वो भी इस स्टेज में एक्सपेल्ड आउट होगा, यूट्रस की बॉल से सेपरेट आउट होगा, और सेपरेट आउट होने के बाद वो सर्विक्स के द्वारा बाहर आ जाएगा, उसे बोलते हैं हम थर्ड स्टेज। फोर्थ है, फोर्थ स्टेज क्या है, द फर्स्ट फोर आवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। यानी फोर स्टेज का मतलब है डिलीवरी होने के बाद में, डिलीवरी का है फीटस की और प्लेसेंटा की, प्लेसेंटा की डिलीवरी होने के बाद में जो चार घंटे का जो समय होता है उसको बोलते हैं फोर्थ स्टेज। इसमें क्या होता है, रिकवरी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे वो रिकवर होते हैं धीरे धीरे, रिकवरी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मदर्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ फीटस, जिसमें मदर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिकवर होते हैं, अपनी अवस्था में आते हैं, और जो फीटस है उसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसे बोलते हैं रिकवरी फेज या फोर्थ स्टेज या रिकवरी फेज। अब हम एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। स्टेज ऑफ लेबर पर भी डिस्कशन किया है, स्टेज ऑफ लेबर फोर है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। अब हम डिस्क्राइब करेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर आपने अभी पढ़ाई है, बताया है, इट इज बिगिन विद रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड फुली सर्वाइकल डायलेटेशन एंड एफेज्ड। इसी को तीन फेजेस में बांटा गया, इसको तीन फेजेस में बांटा गया। दिस स्टेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री फेज, नंबर वन लेटेंट फेज, सेकंड एक्टिव फेज, थर्ड ट्रांजिशन फेज। अब हम बात करते हैं लेटेंट फेज की। लेटेंट फेज क्या है, इसका क्या ड्यूरेशन है, कितने समय में कितना डायलेटेशन होता है, क्यों हम फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज का पहले से नाम भी है डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, तो डायलेटेशन सर्विक्स में क्या क्या बदलाव आते हैं, ये तीन फेजेस हैं, किस फेज में कितना क्या बदलाव आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। लेटेंट फेज, लेटेंट फेज क्या है, लेबर बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर। जब ट्रू लेबर स्टार्ट होते हैं, प्रेग्नेंट लेडी हो जो 28 वीक के बाद में, जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो है इसकी 36 टू 40 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, नॉर्मल टाइम है डिलीवरी का, नॉर्मल टाइम है लेबर का वो है 36 टू 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस समय जब ट्रू लेबर स्टार्ट होते हैं, लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, उस समय सबसे पहली जो स्टेज आती है होती है फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज में सबसे पहली जो फेज होती है वो होती है लेटेंट फेज। तो हम लेटेंट फेज की बात करते हैं, लेटेंट फेज मींस शुरुआती फेज, जिस समय ट्रू लेवर को स्टार्ट हुए वही फेज, उसी फेज की बात हो रही है लेटेंट फेज। तो लेटेंट फेज कब शुरू हो रही है, लेवर बिगिंस विद ऑनसेट ऑफ ट्रू लेवर। इसका ड्यूरेशन क्या है, इसका ड्यूरेशन अलग अलग है, प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा। तो जो प्राइमरी ग्रेविडा है उसका जो ड्यूरेशन है वो
वो है 8 to 10। हाँ, और मल्टी ग्रेविटी का जो ड्यूरेशन है 4 to 5 hour, यानी मल्टी ग्रेविटी में यह टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है। उसके बाद आपकी बात सर्वाइकल डायलेटेशन, जो सर्वाइकल जो डायलेटेशन है वो इस फेज में होता है 0 to 4 centimeters, 0 to 4 centimeters। उसके बाद बात होती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं जिससे हम कहते हैं भाई लेवर पेन आ रहे हैं या दर्द हो रहे हैं, बार बार दर्द आ रहे हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, तो वो होती है 15 to 20 minutes, 15 to 20 minutes। जो कि घटते 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 ये पहुंच जाती है 5 to 7 minutes। उसके बाद आती है बात इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो कितनी समय तक प्रेजेंट रहते हैं, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये कितने समय तक प्रेजेंट रहते हैं, किस वेव से आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो लेटेंट फेज में होते हैं माइल्ड टू मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट। लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन आया उसकी लंबाई कितनी, कितने समय तक वो रहता है, वो है 30 to 40 seconds। तो ये बात हो रही है लेटेंट फेज की, लेटेंट फेज यानी शुरुआत, जिस समय ट्रू लेवर पेन स्टार्ट होते हैं उसको बोलते हैं लेटेंट फेज। लेटेंट फेज में जो ड्यूरेशन है वो प्राइमरी ग्रेविटा में 8 to 10 hours, मल्टी ग्रेविटा में 4 to 5 hours, और सर्वाइकल जो डायलेटेशन 0 to 4 centimeters, कॉन्ट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी 15 to 20 minutes, 5 to 7 minutes। यानी कि शुरुआत में जो पेन आ रहे थे, जो फ्रिक्वेंसी थी वो 15 to 20 minutes में, जो पेन आ रहा था वो 15 to 20 minutes में आ रहा था, और वो धीरे धीरे लास्ट तक आते आते वो 5 to 7 का इंटरवल रहेगा कॉन्ट्रैक्शन में, यानी पेन आने में जो इंटरवल है वो रहेगा 5 to 7 minutes। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, शुरुआत में जब पेन होंगे तो धीरे धीरे स्टार्ट होंगे और आप बढ़ते चले जाएंगे, तो माइल्ड टू मॉडरेट। उसके बाद बात हो रही है लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितने समय तक प्रेजेंट रहता है। तो लेटेंट फेज में जो प्रेजेंट है टाइम ड्यूरेशन है इसका 30 to 40 seconds। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट स्टेज, लेटेंट फेज के बाद जो स्टेज है एक्टिव फेज, लेटेंट फेज के बाद जो फेज है वो क्या है एक्टिव फेज। हमने लेटेंट फेज की बात की थी, अब नेक्स्ट फेज आती है एक्टिव फेज। एक्टिव फेज क्या है, begins with the cervix is 3 to 4 centimeters dilated। लेटेंट फेज में 0 to 4 centimeters था, तो एक्टिव फेज में 3 to 4 centimeters dilated begin मिल स्टार्ट हो रही है। लेटर एक्टिव फेज कब स्टार्ट हो रही है, 3 to 4 centimeters dilated में स्टार्ट हो रही है, और ये खत्म कब हो रही है, एंड विल 8 centimeters dilated ऑफ cervix, जो cervix है वो 8 centimeters dilated हो जाती है एक्टिव फेज में, जो कि 3 to 4 to 8 centimeters dilated active phase में हो जाती है cervix। इसमें भी duration और multipara और primary gravida की अलग अलग है। अब हम बात करेंगे duration, तो primary gravida में जो duration है वो है 5 to 6 hours, और मल्टी ग्रेविडा में जो ड्यूरेशन है वो 3 to 4 hours। उसके बाद बात आती है सर्वाइकल डायलेटेशन, तो जो सर्वाइकल डायलेटेशन है वो इसमें होगा 4 to 8 centimeters।
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, कॉन्ट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो उसमें होगी 3 to 5 minutes. इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो ये होगी मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग. लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें 40 to 60 seconds. इसका मतलब जो पेन आ रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, वो प्रेजेंट रहेंगे 40 से लेके 60 सेकेंड तक. तो ये बात आती है एक्टिव फेज की. तो एक्टिव फेज में ये बदलाव हुए, क्या क्या बदलाव हुए थे, जो ड्यूरेशन है प्राइमरी ग्रेविटा 5 to 6 hours, मल्टी ग्रेविटा में 3 to 4 hours, और सारा जो डायलेशन था वो 4 to 8 centimeters, और जो कॉन्ट्रैक्शन फ्रिक्वेंसी है वो 3 to 5 minutes. इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वह माइल्ड टू मॉडरेट था, तो यहाँ मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 30 टू 40 था, यहाँ 40 टू 60 सेकंड हो जाएगा. अब इसी फेज में हम पार्टोग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए ये फेज इंपॉर्टेंट फेज है. लूप बिगिंस फॉर ऑफ पार्टोग्राफ. कोई क्वेश्चन अगर आता है कहीं से, जो पार्टोग्राफ है वो किस फेज में बनाया जाता है, या पूछे किस स्टेज में बनाया जाता है, तो पार्टोग्राफ जो फॉर्मिंग होती है, पार्टोग्राफ जो बनाना शुरू करते हैं, तो स्टेज है फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज में बनाना शुरू करते हैं और डिलीवरी तक कंटिन्यूसली प्रॉपर टाइम टू टाइम उसको बनाते चलते हैं. एज ए ग्राफ उसमें प्रोग्रेस ऑफ लेबर देखते हैं, लेबर की कितनी प्रोग्रेस चल रही है. और कोई फेज की बात करें तो फेज में क्या है, एक्टिव फेज जिस समय स्टार्ट होता है, बिगिंस होता है, उसी समय पार्टोग्राफ फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. यानी कि 4 centimeter डायलेशन जिस समय सर्विक्स का हो जाता है, उसी समय पार्टोग्राफ बनाना शुरू हो जाता है. तो अब हम नेक्स्ट फेज की बात करेंगे. तो नेक्स्ट फेज है ट्रांजिशन फेज. अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन फेज, थर्ड फेज ट्रांजिशन फेज. ट्रांजिशन फेज क्या है, बिगिंस विद द सर्विक्स 8 टू 10 सेंटीमीटर डायलेटेड. यानी कि जो 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन सर्विक्स का होता है, वो होता है फुल डायलेटेशन. फुल डायलेटेशन मींस प्रिपेयर फॉर सर्विक्स बेबी बर्थ. तो इसकी जो ड्यूरेशन है, इसकी जो डायलेटेशन है, वो हम इस पर बात करते हैं. दूसरे प्राइमरी ग्रेविटा में क्या है इसका, इसका है 2 to 4 hours. मल्टी ग्रेविटा में है 1 to 1.5 hours. अब बात करते हैं सर्वाइकल डायलेटेशन. सर्वाइकल डायलेटेशन क्या है इसका, 8 to 10 centimeters. कॉन्ट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी की बात करें, कॉन्ट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी है इसकी 2 to 3 minutes. यानी जो पहली फेज में जो फ्रीक्वेंसी थी, वो अब घटते घटते 2 to 3 minutes पे आ गई. अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की. तो इसमें होंगे स्ट्रॉन्ग, पहली में थे माइल्ड टू मॉडरेट, टू सेकंड में थे, सेकंड फेज में थे मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग. अब बात होगी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. जो लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो होंगे 60 to 90 seconds. यानी 30 टू
14 सेकंड थे लेटेंट फेज में, और एक्टिव फेज में थे 40 टू 60 सेकंड, ट्रांजिशन फेज में ये आ गया 60 टू 90 सेकंड। इसी के साथ में मैंने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एक्सप्लेन किया। थैंक यू।